हाँ जी नमस्कार जय हिंद स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बिल्कुल आपके लिए जो भर्तियों का कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है बहुत बड़ी खुशखबरी आज निकल के आ रही है कैलेंडर को लेकर आपका कैलेंडर बिल्कुल आज ही जारी किया गया है कौन कौन सी भर्तियाँ आगामी दिनों में होने वाली है किस किस महीने में किस डेट को होगी बिल्कुल पूरी चर्चा है वो इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं और जो अपने एग्जामों के रिजल्ट को लेकर भी कुछ अटके हुए यानी कि परिणामों को लेकर भी इन्होंने इस जो विज्ञापन है उसके अंदर है वो बिल्कुल जानकारी है वो प्रोवाइड करवाती है करवाई है जैसे देख लेते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दिनांक पांच नौ दो हजार तेईस का बिल्कुल ये आप देख सकते हैं विज्ञापन है जिसमें लिखा हुआ है संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 15 पाँच 2023 को परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था अब इस कैलेंडर में संशोधन करते हुए बोर्ड द्वारा पूर्व में आयोजित भर्ती परीक्षाएं जैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय जो रीट की बात करें तो थर्ड ग्रेड भर्ती की बात करें साथ में इन्होंने लिखा वनपाल वन वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 एवं मोटर वाहन उपनिरीक्षक सीधी भर्ती 2021 आदि के अंतिम परीक्षा परिणाम को जारी करने का कार्य आने वाले एक माह में प्राथमिकता से किए जाने का निर्णय वो लिया गया है ठीक है आने वाले एक माह के अंदर अंदर जो भी आपके रिजल्ट है वो बचे हुए हैं चाहे वो वन रक्षक का हो चाहे रीट लेवल टू का हो उनको लेकर भी उन्होंने बताया है कि उनका परिणाम है वो बिल्कुल पहले प्राथमिकता से किया जाएगा ताकि नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का परिणाम शीघ्र मिल सके इन परिणामों को प्राथमिकता से जारी करने के लिए चयन बोर्ड द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं है गोपनीयता बिल्कुल ये जानकारी दी अब बात कर लेते हैं परीक्षा का नाम और परीक्षा की दिनांक यानी कि किस किस दिनांक को आने वाली कौन कौन सी परीक्षा है वो होने वाली है पहले बिल्कुल पहली भर्ती है सूचना सहायक भर्ती सूचना सहायक सीधी भर्ती दो इसकी परीक्षा दिनांक 21 जनवरी 2024 है वो डिसाइड की गई है भाई 21 जनवरी यानी जनवरी 21 जनवरी को आपका सूचना सहायक का एग्जाम है वो होने वाला है दूसरी है संविदा नर्स जीएनएम सीधी भर्ती 2023 बिल्कुल इनका 3 फरवरी 2024 को मॉर्निंग में एग्जाम है वो होने वाला है और संविदा महिला स्वास्थ्यकर्मी एनएम जीएनएम का मॉर्निंग में होगा और एनएम एन का इवनिंग में यानी कि तीन ही फरवरी को दोनों एग्जाम है वो होने वाले हैं एन एम और जी के लिए आगे है कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती दो इसका चार फरवरी को होगा भाई चार फरवरी 2024 को इसका एग्जाम है वो होने वाला है आगे है कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती इसका एग्जाम ग्यारह फरवरी दो को है वो होने वाला है आगे है संगणक भर्ती संगणक का एग्जाम तीन मार्च 2024 को संगणक की डेट काफी आगे चली गई है तीन मार्च 2024 को है संगणक का एग्जाम होगा बात करें पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा इनका मार्च अप्रैल 2024 में है वो परीक्षा होने वाली है सुपरवाइजर सीधी भर्ती जो महिला अधिकारिता परीक्षा है दो उसका भी मार्च अप्रैल दो में है उप कारापाल सीधी भर्ती 2023 का भी मार्च अप्रैल 2024 में छात्रावाद अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती इसका भी एग्जाम है वो मार्च अप्रैल चौबीस में रहेगा पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती का भी मार्च अप्रैल 2024 में प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा मार्च अप्रैल 2024 छात्रावास अधीक्षक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का भी मार्च अप्रैल में यानी कि बाकी जितनी भी है जैसे कनिष्ठ सहायक संयुक्त तो सीधी भर्ती है पटवारी सीधी भर्ती है जिलेदार सिंचाई जो सीधी भर्ती है और कनिष्ठ अभियंता संयुक्त तो सीधी भर्ती है इन सभी जो भर्तियां बाकी बच रही है इनका मार्च और अप्रैल में टेंटेटिव जो दिनाक है वो दी गई है देखते हैं बिल्कुल इन महीने में इनकी अलग से एज जो है डेट नहीं दी गई है डेट मात्र आपके पाँच ही भर्तियों की दी गई है जिसमें अपनी सूचना सहायक भर्ती किस जनवरी संविता नर्स तीन फरवरी और सविता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एन एम जिन दोनों तीन फरवरी को है बाकी कृषि पर्यवेक्षक चार फरवरी और कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व इसका ग्यारह फरवरी और संगणक सीधी भर्ती आपकी तीन मार्च को है वो होने वाली है तो बिल्कुल इन सारे एग्जामों को लेकर कैलेंडर वो जारी कर दिया गया है और हमने डिटेल से चर्चा की है कब कब आपके कौन कौन से एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं तो आप इनमें से किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए एग्जाम है वो डेट है वो घोषित हो गई है अब अपनी तैयारी है वो और मजबूत कर दीजिए बाकी आगे इन भर्तियों से संबंधित कोई और अपडेट आती है तो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाने की बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊँगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं तो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत